फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिचा गायनेकोलॉजिस्ट. आज हम बात करेंगे बल्कि यूट्रस. आपने बहुत बार सोनोग्राफी में ये देखा होगा कि सोनोग्राफी में लिखा है बल्कि यूट्रस. मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, उसमें ये पूछते हैं, मैडम मेरे को तो कोई सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मेरी सोनोग्राफी में बल्कि यूट्रस है, तो मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है क्या, इससे क्या हो सकता है? तो मैं यही चीज़ आज आपको क्लियर करना चाहती हूँ. बल्कि यूट्रस को हमेशा कोई बीमारी है ऐसा नहीं है. कभी अगर आपकी डिलीवरी हुई है जिससे आपका यूट्रस एनलार्ज हुआ, उसके बाद वो नॉर्मल साइज में आता है, तो उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, तब भी वो बल्कि यूट्रस सोनोग्राफी में आता है. तो ये सबसे कॉमन कारण होता है. दूसरे ऐसे कुछ डिजीज हैं जिसके कारण यूट्रस की साइज बढ़ जाती है. बल्कि मतलब नॉर्मल सेंस में आप समझ सकते हैं कि जो साइज नॉर्मल है उससे बड़ा. अब अगर बहुत बड़ा होगा तो ऑफकोर्स कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा ही साइज है, जैसे नॉर्मल यूट्रस का साइज होता है 7-8 सेंटीमीटर और आपका साइज आया है 8, 9 और 10 सेंटीमीटर, तो ये बहुत बड़ी साइज नहीं है. इसके क्या कॉमन कारण है? जैसे कि फाइब्रॉइड्स, जो एक नॉन कैंसर गठान है. दूसरा एडेनोमायोसिस, यही मुख्यतः कारण होते हैं जो आपके यूट्रस को एनलार्ज करते हैं. और दूसरा कि अगर आपके पहले डिलीवरी हुई है, डिलीवरी हुई है, तो थोड़ा सा साइज आपका बड़ा हो सकता है. देन क्या इलाज है इसका? इलाज सिर्फ तभी है जब आपको इससे कोई सिम्टम्स हैं, कोई लक्षण है. लक्षण कैसे हो सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है पीरियड के टाइम में, पीरियड से पहले, पीरियड के बाद में, रिलेशनशिप के टाइम में बहुत पेन रहता है, अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग दवाइयों से कंट्रोल भी नहीं हो रही है, गठान हर मंथ बढ़ती जा रही है कि पहले 8-9 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया, तो बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहा है. और कुछ कैंसर जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, इसमें भी यूट्रस का साइज बड़ा हो सकता है. तो इसके लिए आपको प्रॉपर चेकअप कराना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना है. और अगर सारे इन्वेस्टिगेशन में कोई भी बीमारी नहीं आती और सिर्फ ये स्लाइटली एनलार्ज है, तो फिर उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना नॉर्मल रूटीन मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, अच्छे से हेल्दी डाइट लें और अपने आप को स्वस्थ रखें. थैंक यू. मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो.